नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पी एंड स्पोर्ट्स में। एंड वंस अगेन वी आर हियर विद अ न्यू टॉपिक। और आज जो बात करें हम, टोक्यो ओलंपिक्स लगातार हमारे जहन में है अभी तक, क्योंकि भारतीय जो खिलाड़ी थे 7 मेडल के साथ हमारे बीच आए हैं, और 7 मेडल जो कि अभी तक के सारे ओलंपिक में हमारा सर्वाधिक है, और इसे बेस्ट कहा जा सकता है इस ओलंपिक को। और वहीं कहीं ना कहीं जो है डिफरेंट जो स्पोर्ट्स जो उभर के आए हैं उन सब ने एक माहौल अलग तरह का बनाया है, और देश भर में इस समय जो है वो पहली बार शायद ऐसा हुआ है जहाँ पे मीडिया कवरेज एंड ऑल ये सब चीज़ें आपको अलग तरीके से नज़र आ रही हैं। अदरवाइज आप सब जानते हैं कि हमेशा अनबैलेंस तरीके से मीडिया हमेशा इंडिया में काम करती रही है, लेकिन इस वक्त फिर भी एक जो है फोकस इस टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए बहुत कुछ अच्छी खबरें निकलते आई हुई हैं। कल जो है भारत के सभी पूरे कंटिंजेंट का जो है स्वागत किया गया, और जोरदार स्वागत के साथ साथ उनका सम्मान भी कराया गया, आप सबने कल देखा होगा लाइव। और वहीं जो मेडल टैली की अगर हम बात करें तो भारत ने 48वें स्थान पे फिनिश किया है अंत में, और टोटल 206 जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उसमें 48 नंबर पे आना भारत के लिए फिर भी कहीं ना कहीं एक स्टैंड अप मुझे लगता है कि है। और जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अभी भी जो है वो फ्रंट पे बना हुआ है, इस साल भी टोक्यो ओलंपिक में भी 113 टोटल मेडल्स के साथ जो है 39 गोल्ड मेडल उन्होंने वहाँ पे जीते, जबकि ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन यूनाइटेड स्टेट का नहीं रहा, बजाय इसके फिर भी वे टॉप जो है फिनिश किए। उसके बाद चाइना जो है रहा, उसके बाद जापान, और उसके बाद जो है ग्रेट ब्रिटेन ने चौथे नंबर पर फिनिश किया। अब बात करते हैं आज के जो विषय के, क्योंकि लगातार जो है भारत में इस तरह की चीज़ें उभरती आई हुई हैं, और हमेशा ये सवाल रहता है कि इतने बड़े कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो क्यों, क्या वजह है कि जहाँ से भारत में ओलंपिक के लिए जो है पदक लाने वालों की संख्या इतनी नहीं होती। कुल मिला के इस बार हम 7 ओलंपिक मेडल लेके आए हैं, और उसमें भी हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। कल एक आधिकारिक जो स्टेटमेंट आया, और वो एक बड़ा नाम है, कर्णम मल्लेश्वरी। आप सब जानते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी अपने आप में लेजेंडरी एथलीट रही हैं भारत के लिए। 2000 जो है सिडनी ओलंपिक, समर ओलंपिक में जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और पहली महिला ऐसी बनी थी, ऐसी एथलीट, महिला एथलीट बनी थी जो भारत के लिए मेडल लेके आई ओलंपिक्स में, और वेट लिफ्टिंग में उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2000 में। उसके बाद जो है वो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आई है, पिछले कुछ समय से, जहाँ पे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वे अभी एज ए वाइस चांसलर जो है वो काम कर रही हैं, उनको अपॉइंट किया गया। तो उनका एक जो है उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि मैं लगातार कहते आई हूँ, उन्होंने खुशी जरूर जताई है कि जितने भी भारत की तरफ से इस बार पूरे कंटिंजेंट में एथलीट्स गए थे उन्होंने बेहतर किया है, और कहीं ना कहीं जो है छोटे और स्मॉल बैकग्राउंड से और पुअर बैकग्राउंड से निकलते हुए बहुत भारी संघर्ष के बाद भी उन्होंने अच्छे प्रदर्शन लगातार किए हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है, और भारत सरकार को भी बहुत अलग अलग तरह के सुझाव दिए हैं जिसमें उन्होंने ये एक बात कही है, उन्होंने ये इस बात के लिए जरूर हर्ष जताया कि इस बार ओलंपिक में जाने वाले जितने भी प्रतिभागी थे उनके लिए भारत सरकार ने किसी भी तरह की कमी नहीं की, और इस तरह की बात जो हमेशा एथलीट्स की तरफ से आती थी, वो जो बायसनेस और जो हम कहते थे अलग अलग तरह की चीज़ें जो होती थी, जो फैसिलिटीज़ का अभाव हम कहते थे, या जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी वो होती थी, लेकिन इस साल जितने भी ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ पे उनको सही तरह की सुविधाएं लगातार मुहैया कराई गई, तो वो उन्होंने इस बात का तो हर्ष जताया है। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पे उन्होंने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि उन्होंने कहा है कि इस स्तर पे एक फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना और चीज़ों को आगे बढ़ाना एक अच्छी बात है, भारत सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक जमीनी स्तर पर जो है एथलीट्स को फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं कराई जाएंगी, जब तक जमीनी स्तर पर जो है भारत 135 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले देश में भी जब संख्या की हम पदक की संख्या को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो लगातार जो हम बात करते हैं कि जितने भी जो ग्रास रूट लेवल की एथलीट्स हैं, जितने भी ग्रास रूट लेवल की फैसिलिटीज़ हैं उनको हमें कहीं ना कहीं बिल्डअप करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि इस बार के जो एथलीट्स हैं वो लगभग 80% जो है वो छोटे गांव और शहरों से निकल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ज़मीनी स्तर को ढूंढना होगा, और ज़मीनी स्तर में अगर हम ध्यान देकर प्रतिभाओं की पहचान कर पाएँ तो ये अपने आप में उन्होंने कहा है कि बड़ी बात होगी, और वही जो है हमारे मेडल्स को आगे आने वाले 10-15 सालों में, 20 सालों में हमारे मेडल टैली में हमको और आगे के स्थान दिलाएगी।
उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम को भी एक अच्छा स्कीम बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सुझाव दिया कि ये खेलो इंडिया स्कीम कहीं ना कहीं लिमिटेड, उन्होंने कहा है कि अपॉर्चुनिटी देती है एथलीट्स को। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खेलो इंडिया को और व्यापक तरीके से लेके आना चाहिए, ताकि जितने भी ग्रास रूट लेवल से खेलो इंडिया में खिलाड़ी आते हैं उनको अलग तरह से प्रिपेयर किया जाए, उन्हें वर्ल्ड क्लास जो है फैसिलिटीज़ और वर्ल्ड क्लास जितनी भी चीज़ें ट्रेनिंग है उनसे मुहैया, मॉडर्न ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में उनको लेके आया जाए, ताकि वो उस लेवल की जो कंपटीशन है वो कंपीट कर पाए जहाँ पे कि होना चाहिए। और बार बार हम ये बात करते हैं और हम, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जब तक भारत के अंदर खुद जो है अपॉर्चुनिटीज़ में, जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें और चाहे हम कंपटीशन की बात करें, जब तक कंपटीशन जो है भारत के अंदर विद इन द वॉल, अगर हम जब बात करते हैं तो विद इन द वॉल जब तक कंपटीशन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, तब तक जो है हम वर्ल्ड लेवल पे इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूरोप की अगर हम बात करें या दूसरे यूनाइटेड स्टेट की हम अगर बात करते हैं, टॉप पे जो फिनिश करता है उनके यहाँ जो है स्पोर्ट्स कल्चर अलग तरह का होता है। वहाँ पे जो कंपटीशन है वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में भी बहुत बहुत अलग तरह का आपको दिखाई देता है, लेकिन वहीं भारत में कहीं ना कहीं वो जो विविधताएं हैं और जो एक फ्लक्चुएशन नज़र आता है, कोई स्टेट बहुत अच्छा करता है, जैसे हरियाणा पंजाब बहुत अच्छा कर रहा है, उड़ीसा ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और कर्णम मल्लेश्वर ने भी उड़ीसा गवर्नमेंट की जो है वो तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की स्टेट्स जो कि, क्योंकि पिछले कुछ 5 से 7 सालों से लगभग जो है भारत की हॉकी महिला जो टीम है और पुरुष जो टीम है दोनों टीमों को स्पॉन्सरशिप दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, तो ये एक अपने आप में उन्होंने कहा है सराहनीय कदम है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि सरकार अगर लगातार अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस तरह की स्पॉन्सरशिप किसी टीम को या किसी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट को देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रेस्टिक चेंज, जिस तरह से हॉकी की जो प्रदर्शन है उसमें आया है, वो ड्रेस्टिक चेंज आपको, ड्रेस्टिक परफॉर्मेंस आपको, इंक्रीजमेंट उसमें दिखाई देता है। तो उन्होंने यही बातें कही हैं कि जमीनी स्तर से जो है, ग्रास रूट लेवल से भारत के खेल को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्तर पे ठीक है जब आप एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पदक बढ़ाना है, इंटरनल जो कंपटीशन है वो अगर इंक्रीज करना है, तो वहाँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें जमीनी स्तर से काम करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स को उसकी एक अलग पहचान देनी पड़ेगी, जो कि भारत में कहीं ना कहीं इतने समय से, इतने बड़े दौर से वो मिसिंग कहीं ना कहीं दिखती है। तो उसे, उस अनमैच्ड जो हम चीज़ों को कहें या हम अनबैलेंस्ड तरीके से जो चीज़ों को देखा जाता है स्पोर्ट्स अलग अलग तरह के, इस बार जो हम अदिति अशोक की हम बात करते हैं बार बार, कि गोल्फर एक ऐसी, क्योंकि गोल्फ जो है भारत में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन उसके बाद जब बावजूद अदिति अशोक ने जो इम्प्रेशन छोड़ा है अंत में जाते जाते, भले ही वे मेडल नहीं जीत पाई, मेडल से चूक गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक इम्पैक्ट था, उनका जो इम्प्रेशन था जाते जाते, वो बहुत अलग तरह का था। तो यही सब बातें कर्णम मल्लेश्वरी ने भी उठाई हैं कि कम से कम हर एक स्पोर्ट्स को बैलेंस तरीके से कवर किया जाए, हर एक जो, अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, अगर हम कवरेज की बात करते हैं, अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, तो पॉपुलैरिटी उन्होंने कहा है कि मीडिया की भी अपने आप में जिम्मेदारी होती है, और हम बार बार कह रहे हैं कि मीडिया का इस समय एक अलग तरह का जो कवरेज आप देख रहे हो, लगातार ओलंपिक के जो एथलीट्स हैं उनको कवरेज मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये अगर बहुत समय से होती है और लगातार अगर ये कांस्टेंट तरीके से चलती रहे, तब जाके कहीं ना कहीं दूसरे खेलों को भी लोग देखना पसंद करेंगे और खेलना चाहेंगे। एथलेटिक्स में बहुत लंबे समय से, और एक मिथ भी माना जाता था और कहें कि एक लोगों के जहन में रहता था कि जिस स्पोर्ट्स में भारत मेडल नहीं हासिल कर पाता, तो उस स्पोर्ट्स को पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजते, लेकिन अब जो एक नया दौर है इसमें एथलेटिक्स में मेडल आना बहुत ज़रूरी था, और नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल दिलाया है उससे यही सब सभी को उम्मीद है, और खेल प्रेमियों को खासकर उम्मीद है कि जहाँ पे एथलेटिक्स के और भी जो नौजवान हैं, और भी जो यंगस्टर्स हैं, वो एथलेटिक्स की इवेंट्स की तरफ जो हैं वो आकर्षित होंगे और उस उन इवेंट्स को खेलते खेलते अपने जो, और सिस्टम की मदद से बेसिकली वहाँ उस इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए तैयार होंगे और आने वाले टाइम में जो है मेडल के कंटेंडर होंगे। तो यही चीज़ों के साथ कर्णम मल्लेश्वर ने अपनी बात को कही थी, कि उन्होंने कहा कि एक तो खेलो इंडिया को थोड़ा और व्यापक करना होगा, दूसरा उन्होंने कहा कि खेलों को जमीनी स्तर से जो है वो उठाना होगा, क्योंकि छोटे जगह, छोटे कस्बों और गांवों में भी बेहतर खिलाड़ी उभरते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से वो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं वहीं दबी रह जाती हैं। तो यही सब बातें उन्होंने सरकार की जो भावी तैयारी है उनको लेके भी उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिए थे। तो
एक लेजेंडरी का इस तरह के सुझाव देना अपने आप में बड़ी चीज़ होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको ये जरूर ये इस बात को कवर करना चाहिए और आपसे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा और आप जो है अपने फीडबैक कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपको लगातार ये सेगमेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ जो है वो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स, फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो यही हम सब जारी रखेंगे आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।